एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन से उनके परिजनों, दोस्तों और फैंस को काफी सदमा पहुंचा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सतीश कौशिक की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट को बताया जा रहा है। सतीश कौशिक मामले में पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन इस बीच सतीश कौशिक आखिरी बार जिस फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे उसके मालिक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सतीश कौशिक आखिरी बार जिस फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे वह कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू का है और ये सतीश का दोस्त बताया जा रहा है। मैंने सतीश जी की जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है, जो न्यूज़पेपर में आया है कि उनकी डेथ हुई है और वहाँ फार्म हाउस पे उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, तो इसी बारे में ही मैंने कंप्लेन करी है। क्योंकि सतीश जी मेरे हस्बैंड विकास मालू के फार्म पे ही होली पार्टी में आए थे और वहीं से मेडिसिन मिली हैं, वहीं उनको जो भी उनकी तबीयत ख़राब हुई उस बारे में है। लेकिन इस बात से पहले, कुछ टाइम पहले 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था। ये आर्ग्यूमेंट 2 दिन चला, एक 23 अगस्त को, एक 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त को जब दोबारा आर्ग्यूमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको ये पैसे इंडिया में दूंगा और इन पैसों का कोई हिसाब तो है नहीं क्योंकि कैश में लेन देन हुआ था, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते। सतीश जी को ये सुन के बहुत अजीब लगा था और उन्होंने एक्चुअली जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से पैसे दिए थे वो कह रहे थे कि मुझे वापस चाहिए। बाद में जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं और ये क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपका, तो मुझे यही बोला गया कि सतीश जी ने 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे जो कि कोरोना के टाइम पे डूब गए, तो विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूँगा और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूंगा। विकास मालू की पत्नी का जो बयान सामने आया है पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक साउथ वेस्ट जिले को शिकायत मार्क कर दी गई है और साउथ वेस्ट जिले के ही एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। आरोपों को लेकर जल्द ही पुलिस महिला को बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी। जब मैंने ये अखबार में पढ़ा कि और न्यूज चैनल्स पे देखा कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हुई है और होली पार्टी पे वो हमारे ही घर पर थे जहाँ पे विकास मालू भी उपस्थित थे, तो मैं ये एंगल इसलिए सामने ला रही हूँ कि पुलिस इस टाइप से फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि विकास मालू और सतीश जी जो है बिजनेस उनके लिंक भी हैं और जुड़े हुए हैं, उनका कोई स्क्रिप्ट बैंक भी बना हुआ है विद अनिल कपूर और अदर एक्टर्स के साथ, तो उनका बिजनेस लिंक भी है और ये उसी चक्कर में ये इन्वेस्टमेंट किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक ही बताया है और कुछ संदिग्ध होने से इनकार किया है, लेकिन उनकी मौत का एग्जैक्ट टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। उनकी मौत रास्ते में हुई, फार्म हाउस से निकल कर हुई या वहीं हो चुकी थी, ये सब सतीश के मैनेजर और स्टाफ से पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ ब्लड के सैंपल लिए गए हैं, विसरा प्रिजर्व किए गए हैं, जिससे पता लगेगा कि मौत के वक्त शरीर में क्या था, खून में क्या था, हार्ट की स्थिति कैसी थी, क्या खाया पिया था। ये पूरी रिपोर्ट आने में 15 दिन के आसपास का वक्त लगेगा।
शुरुआती तौर पर पुलिस को भी सतीश कौशिक की मौत में कुछ संदिग्ध नहीं लगा है। पुलिस फाउल प्ले की थ्योरी को रूल आउट कर रही है, लेकिन जांच के दौरान इसी फार्म हाउस से कुछ नियमित और कुछ अलग दवाई मिली है, जिनकी जांच पुलिस करा रही है।